देश में आबादी को लेकर बहस एक बार फिर से गर्म हो गई है। इस बार आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर तशवीश जाहिर की गई है, जिसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल कानून लाने पर जोर दिया गया है। आर्टिकल में कहा गया है कि नेशनल एवरेज पर आबादी में बढ़ोतरी मुस्तहकम होने के बावजूद ये सभी मजहबों और इलाकों में एक जैसी नहीं है। सरहदी जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इसका असर पार्लियामानी चुनावी हलकों के डिलिमिटेशन प्रोसेस पर पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या आबादी में इजाफे के लिए सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार हैं? क्या लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बीजेपी को कम वोट हासिल हुए हैं उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार माना जा रहा है? क्या इन्हीं नतीजों के डर से मुसलमानों की आबादी को मुद्दा बनाया जा रहा है? वहीं भारत में मुसलमानों की आबादी के बारे में दावों का सच क्या है, क्योंकि कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दशकों में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी की जो इजाफी शरह है वो 1991 के बाद से कम हुई है। आम आबादी की इजाफी शरह भी 1991 के बाद कम हुई है, और इसी पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। तो पॉपुलेशन का मुद्दा एक बार फिर से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और बढ़ती आबादी को लेकर आरएसएस सदर की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है। तो मुल्क में बढ़ रही आबादी को लेकर तशवीश का इजहार किया गया है, और खास करके इसमें मुसलमानों का जिक्र किया गया है। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर फिक्र जताई गई है, और इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल कानून लाने पर भी जोर दिया गया है कि अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कानून लाने की जरूरत पड़ रही है। तो क्या बीजेपी के खराब नतीजों के लिए मुस्लिम आबादी जिम्मेदार है? ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और क्या वाकई जो मुसलमानों की आबादी है उसकी शरह में इजाफा हुआ है? और ऐसे में मुसलमानों की आबादी को लेकर ही कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्या पूरी ओवरऑल आबादी का जिक्र यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए था? तो वहीं 2024 के नतीजों की वजह से तो ये मामला मुद्दा नहीं बन रहा है। और क्या बीजेपी के खराब नतीजों के लिए मुस्लिम आबादी जिम्मेदार है? तो ऐसे में क्यों आरएसएस की तरफ से इस तरह का मुतालबा किया गया, इस तरह की आवाज़ उठाई गई है? क्या किसी और मजहब में आबादी नहीं बढ़ रही है, मुसलमानों पर यहाँ पर फोकस क्यों किया गया है? और हर बार जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो मुसलमानों को अलग से कोट अनकोट किया जाता है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे हों। ऐसे में आखिर कब तक ये मामला इसी तरह से उठता रहेगा? और भारत में मुसलमानों की आबादी के बारे में सच क्या है, ये बदलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो मुसलमानों की आबादी फिर से क्यों मुद्दा बन रही है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो बढ़ती आबादी को लेकर फिक्र का इजहार किया गया है, और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। ओवैसी ने कहा है कि सबका डीएनए एक है तो फिक्र क्यों की जा रही है? तो मुल्क में बढ़ती आबादी को लेकर फिक्र जाहिर की गई है, और आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर तशवीश जाहिर की गई है। तो यहाँ पर सिर्फ बढ़ती आबादी का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर कोट अनकोट किया गया है, और जिसके लिए कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कानून लाना चाहिए। तो मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर फिक्र जाहिर की गई है आरएसएस की तरफ से, और आर्टिकल में कहा गया है कि नेशनल एवरेज पर आबादी में बढ़ोतरी मुस्तहकम होने के बावजूद ये सभी मजहबों और इलाकों में एक जैसी नहीं है, यानी सभी मजहबों में से जो सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ रही है वो मुसलमानों की बढ़ रही है, इस तरह के इशारे यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो मुसलमानों की आबादी एक बार फिर से मुद्दा यहाँ पर बन गई है, और सरहदी ज़िलों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये यहाँ तक कहा गया है इस आर्टिकल में। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो कि सरहदी इलाकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसका असर पार्लियामानी चुनावी हलकों के डिलिमिटेशन प्रोसेस पर पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या आबादी में इजाफे के लिए सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार हैं? क्या लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बीजेपी को कम वोट हासिल हुए हैं उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार माना जा रहा है? क्या इन्हीं नतीजों के डर से मुसलमानों की आबादी को मुद्दा बनाया जा रहा है, और मुसलमानों की आबादी को रोकने के लिए मुल्क भर की आबादी के तहत कानून लाने की बात कही जा रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल कानून लाने की बात कही जा रही है? इसके अलावा भारत में मुसलमानों की आबादी के बारे में दावों का सच क्या है? अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं, ऐसा कुछ डर मन में है।
और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। तो आपने देखा RSS मोहन भागवत ने यहाँ पर तशवीश का इजहार किया। तो बढ़ती आबादी को लेकर फिक्र जाहिर की गई है। बताया गया है कि बढ़ती आबादी फिक्र की वजह है, यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की जरूरत है। तो वहीं इसको लेकर अब रद्द अमल का इजहार भी किया जा रहा है। अलग अलग सियासी लीडरान की तरफ से भी बयानबाजी देखने को मिल रही है और RSS की तरफ से जिस तरह से तशवीश का इजहार किया गया है और खास करके मुसलमानों का जिक्र इस पत्रिका ऑर्गेनाइजर में किया गया है, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि जब आबादी बढ़ रही है तो सबकी बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों की, क्योंकि ये कहा गया है कि जो सरहदी इलाकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है वो तशवीश का बाइस है और इसके लिए जो पार्लियामानी हल्के का डिलिमिटेशन प्रोसेस है उस पर असर पड़ सकता है। तो क्या ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जो 2024 के नतीजे सामने आए हैं क्या उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, क्या मुसलमानों को ज़िम्मेदार माना जाना चाहिए, क्या इन्हीं नतीजों के डर से मुसलमानों की आबादी को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो भारत में मुसलमानों की आबादी के बारे में दावों का सच क्या है, क्योंकि कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दशकों में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी की जो इजाफी शरह रही है वो 1951 के बाद से कम हुई है, 91 के बाद से। तो आम आबादी की इजाफी शरह भी 1991 के बाद कम हुई है और इसी पर आज हम अपने खास मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। तो आबादी को लेकर RSS ने फिक्र जाहिर की है और इसमें खास करके मुसलमानों का जिक्र भी किया गया है। तो ऐसे में एक बार फिर से सवाल ये उठ रहा है कि क्या आबादी के चलते दूसरे मज़हब के लोग खतरे में हैं, इसको लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वहीं RSS की तरफ से इस मामले को उठाया गया है। तो RSS की वीकली मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने एक बार फिर से पॉपुलेशन डिस्टरबेंस को मुद्दा बनाया है, क्या सरकार इसी हवाले से कानून बनाने का विचार भी कर रही है, इसको लेकर गौर खोज कर रही है। पर सवाल यह है कि क्या वाकई भारत को जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या पॉपुलेशन कंट्रोल कानून जैसे चीज़ों को लेकर चर्चा करने की ज़रूरत है। हालांकि इससे पहले भी RSS की तरफ से इस हवाले से तशवीश का इजहार किया गया है और कहा गया है कि मुल्क में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और आबादी को लेकर कोई कंट्रोल नहीं है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मुल्क का लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र है, उसको खतरा यहां पर लाहिक हो सकता है। लेकिन ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि आखिर सिर्फ मुसलमानों का जिक्र ही क्यों कहा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर अभी रद्द अमल का इजहार किया। ओवैसी ने कहा है कि सबका DNA एक है तो फिक्र की क्या बात है। तो मुसलमानों की आबादी को लेकर एक बार फिर से मुद्दा उठाया जा रहा है और देश में आबादी को लेकर बहस एक बार फिर से गर्म हो गई है और इस बार RSS की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर तशवीश जाहिर की गई है, जिसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल कानून लाने पर जोर दिया गया है। हालांकि RSS की तरफ से इसको लेकर पहले भी चिंता जाहिर की जा चुकी है, लेकिन इस बार ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, क्या लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें क्या मुसलमानों को जिम्मेदार माना जाए और BJP को जिस तरह से सीटों का लॉस उठाना पड़ा है और
ऐसे में अलायंस की सरकार यहाँ पर बनानी पड़ी क्या, इसको लेकर भी यहाँ पर गौर खोज किया जा रहा है। बहरहाल इस आर्टिकल में कहा गया है कि नेशनल एवरेज पर आबादी में बढ़ोतरी मुस्तहकम होने के बावजूद भी ये सभी मजहब और इलाकों में एक जैसी नहीं है और खासकर के मुसलमानों की आबादी ज़्यादा बड़ी है और सरहदी ज़िलों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये इस आर्टिकल में कहा गया है। और इसका असर पार्लियामानी चुनावी हलकों के डिलिमिटेशन प्रोसेस पर पड़ सकता है। तो क्या मुसलमानों की आबादी बढ़ने से आरएसएस को फिक्र सता रही है,